पब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम केथा की चटनी बना रहे हैं। आपको दिखाते हैं केथा किसको बोलते हैं। हमारी भाषा में तो इसको केथा बोलते हैं, आपके यहाँ इसको जो भी बोलते हैं। इसका बहुत बड़ा पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर लगते हैं, तो इसकी मैं चटनी बना रही हूँ। इधर हमने एक केथा को फोड़ के रख लिया, उसमें एक प्याज लिए, एक छोटी छोटी जो छोटी प्याज आती है ना, वो प्याज है, तो उसके चार टुकड़े करके हमने ले लिया है। आप चाहे तो इसमें दो या तीन डाल सकते हो, ना भी चाहे मुझे नहीं प्याज खाने तो आप इस एक भी मत डालें, ये बिना प्याज के भी अच्छी लगती है चटनी। इसको हम मिक्सी जार में डाल लेते हैं, ये हमने मिक्सी जार में डाल दिया। और ये हरी धनिया ली है हमने, धो के ले ली है, इसको काटा नहीं है, इसको ऐसे ही डाल देंगे, ये पिस जाएगी। इसमें ऊपर से टेस्ट के अनुसार रेड मिर्ची हमने 1 चम्मच ली है, आप अपने टेस्ट के अनुसार लें। व्हाइट वाला नमक 1/4 चम्मच से 1 चम्मच, इसको भी आप अपने टेस्ट के अनुसार लें। और 1 चम्मच इसमें हम जीरा डालेंगे, 1 चम्मच ही इसमें हम ये काला वाला नमक डालेंगे। ये चटनी गर्मियों में बहुत ही अच्छी लगती है, इसको दाल चावल के साथ तो ज्यादा ही अच्छा टेस्ट देती है। इसमें थोड़ी सा हम पानी डालेंगे, मिक्सर जार को बंद करके पीस लेंगे। चेक करके देख लेते हैं चटनी पीस के तैयार हो गई, निकाल लेते हैं मिक्सर जार से। देखिए कितनी अच्छी चटनी पीस के तैयार हो गई। अगर ये सिलोसा पे पिसी रहती है ना, तो इसका टेस्ट और भी अच्छा बढ़ जाता है, लेकिन हमारे पास तो यही मिक्सर है, हमने मिक्सर में पीस ली। तो ये चटनी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चटनी आप भी बनाइए, खाइए। आपको अगर ये कैसे मिल जाए बाजार में, अगर आप गांव से हैं तो आपको तो जरूर मिल जाएंगी, और अगर आप मार्केट से हैं तो आपको थोड़ा सा खोजना पड़ेगा। हमें बड़े परिश्रम के साथ मिलते हैं सामान, लेकिन जब कभी मिल जाते हैं तो इसकी चटनी बना के खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है गांव की याद आ जाती है। इसलिए आप भी चटनी बनाइए खाइए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं। धन्यवाद।